Hi guys, welcome back to my channel, Miss Priya TV. So guys, uneven skin tone and dark spots wali problem ek bahut hi common skin problem hai because acne spots agar aapko hote hain, sabhi ko kabhi na kabhi hue hote hain. So unke baad jo hai na hamari mistakes ki wajah se hamare skin par reh jate hain dark spots ya fir wo bahut hi scars type ke reh jate hain. So un sab se chutkara pane ke liye aaj ki is video mein main aapko batane wali hu ki kya aapko karna chahiye. सो टर्मरिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है. इसके अलावा अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है या फिर अगर आपकी स्किन में ब्लेमिशेस हैं, स्टार्स हैं, तो उनसे आपकी स्किन को छुटकारा दिलाएगा. इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन कॉज होता रहता है लाइक एक्ने और पिंपल्स, तो उनसे भी आपको ये छुटकारा दिलाएगा. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू यूज़ टर्मरिक सो दैट कि आपकी स्किन के स्किन से ये सारे कंसर्न्स दूर हो जाएं. ऑल्सो टर्मरिक का जो एक फेशियल होता है ना, वो फेशियल अगर आप अपने घर पे करते हैं यूजिंग ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, तो आपको किस तरीके से आपकी स्किन को आप बना पाएंगे फ्लॉलेस एंड स्पॉटलेस. और हाँ दोस्तों, ये जो टर्मरिक फेशियल है ना, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आपको यूज़ करने चाहिए, कौन से आपको ऑयली स्किन है तो यूज़ करने चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू ऑल नो कि फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी स्किन को क्लीन करना पड़ता है, तो आप अपने किसी भी ऑर्गेनिक फेस वॉश की मदद से अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें. उसके बाद आप अपने चेहरे को स्टीम दें सो दैट अब जो भी इसके बाद आप इंग्रेडिएंट लगाएंगे उसके पूरे पूरे बेनिफिट्स आपको मिल पाएं. तो फर्स्ट स्टेप इज स्क्रब. तो स्क्रब के लिए आपको चाहिए राइस फ्लोर पेस्ट. तो यहाँ पर मैंने चावल को 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर दिया. उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया थोड़े से पानी की हेल्प से. और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कस्तूरी टर्मरिक और ये तैयार है हमारा DIY टर्मरिक स्क्रब. द नेक्स्ट स्टेप इज टर्मरिक पैक और इसको बनाने के लिए हम एक बाउल में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर और 2 बड़े चम्मच मिल्क. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको यूज करना है यहाँ पर मिल्क और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यहाँ पर आपको यूज करनी है कर्ड. तो अच्छे से अब इन सबको मिलाकर आप इसका पेस्ट बना लें और ये तैयार है हमारा DIY टर्मरिक फेस पैक. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज स्पॉट किलिंग जेल. तो इसको बनाने के लिए आप एक बाउल में ऐड करें ये 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 चम्मच एलोवेरा जेल. तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर एलोवेरा जेल जो है वो मेरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है एंड कभी भी अगर आपको एलोवेरा जेल लेना हो तो आप ऐसा एलोवेरा जेल लें जिसमें कि कोई भी कलर या प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ना हो. सो गाइस ये एलोवेरा जेल मैंने मंगाया है ऑनलाइन स्टोर नाम की एक ब्रांड से जो कि अमेजोन से मैंने लिए हैं. अगर आपको भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स यानी कि कोई भी DIY प्रोडक्ट लेना है तो आप इस ब्रांड के ले सकते हैं बिकॉज इनमें कोई भी केमिकल नहीं है और ना ही इसमें कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं. सो अब इस एलोवेरा जेल में आप ऐड करें 1 ड्रॉप ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल. अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून लेमन जूस और ये तैयार है हमारा DIY स्पॉट किलिंग टर्मरिक जेल. सो गाइज अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो ये आपके लिए बेस्ट है और अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं. सो फर्स्टली यू हैव टू क्लीन योर स्किन, देन आपको अपनी स्किन को देना है स्टीम. इसके बाद आप स्क्रब लेकर अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं. लगाने के बाद आप हल्के हाथों से अपने चेहरे पर इसकी मसाज करें जस्ट लाइक आप स्क्रब करते हैं. सो गाइस राइस फ्लोर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ये आपकी स्किन को स्मूथ बना देता है, ऑल्सो ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है. सो गाइस इस स्क्रब को ना आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं और आपको चावल के जो दाने हैं उनको बहुत ही बारीक पीस लेना है. उसके बाद टर्मरिक डाल के उसको अपने फेस पर अच्छे से एज अ फेस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं. अच्छे से लगाने के बाद आप इसे अपने चेहरे पर यूं ही लगे रहने दें और 10 से 15 मिनट बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लें. इसके अलावा टर्मरिक जैसे कि आपको पता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है तो ये हमारी स्किन से जितने भी बैक्टीरियाज उनको किल करने में हेल्प करता है, ऑल्सो ये हमारी स्किन से स्पॉट्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है. सो अब बारी आती है पैक लगाने की. इसके लिए आप अपनी स्किन पर अच्छी तरीके से इस पैक को आराम से इवनली लगा लें. इवनली लगाने के बाद आप इसे अपनी स्किन पर यूं ही छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए. 15 मिनट हो जाने के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लें. जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि सैंडलवुड पाउडर ना केवल हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, इसके अलावा ये हमारी स्किन से टैनिंग को भी रिमूव करता है और साथ में ये हमारी स्किन से अगर टैनिंग को रिमूव करना है ना तो जितने भी हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो भी इससे रीन्यू होते हैं. और ड्राई स्किन वालों को मिल्क इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि मिल्क में होती है मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि आपकी स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करता है. इसके अलावा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करता है. सो गाइस यूट्यूब में आपने बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें कि होम रेमेडीज लोग बताते हैं इस तरीके से फेशियल करें ऐसे करें.
और लेकिन आप एक चीज का ध्यान कभी नहीं देते कि आपकी स्किन टाइप क्या है और वो जो प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं वो किस स्किन टाइप के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर सेंसिटिव है तो आप अपनी स्किन पर कोई भी खट्टी चीज का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि लेमन हो गया, बटर मिल्क हो गया या फिर कर्ड हो गया। इसके बजाय आपको यूज करना चाहिए मिल्क या फिर मिल्क क्रीम। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपनी स्किन पर खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वो आपकी स्किन से एक्सेस में जो ऑयल होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और साथ ही आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है। आई होप ये टिप आपको पसंद आई हो। और अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट इन लास्ट स्टेप की, जो की है स्पॉट किलिंग जेल। सो इसके लिए आप इस जेल को लेकर अपने चेहरे पर इवनली लगा दें और इसे अपने चेहरे पर यूं ही लगे रहने दें जब तक कि आपकी स्किन पर बिल्कुल सूख ना जाए, मतलब कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। और उसके लिए आप लाइट हैंड से अपनी स्किन पर इससे मसाज कर सकते हैं और इसे छोड़ देंगे। और जब ये आपकी स्किन पर अच्छे से सूख जाए ना तो आप अपने फेस को वॉश कर लें। तो गाइस ये था मेरा आज का बहुत ही आसान सा DIY टर्मरिक फेशियल। एंड इफ यू वांट टू मेक योर स्किन फ्लॉलेस, स्पॉटलेस एंड इवन टोन्ड तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड गाइज आप इसे वीक में एक बार ही जरूर इस्तेमाल करें। और ये जो जेल मैंने बनाया ना, इसको तो आप रोजाना रात को जरूर इस्तेमाल करें फॉर बेस्ट रिजल्ट। और कोई नाइट क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाना, आपको जस्ट अपने फेस को क्लीन करना है और उसके बाद इसे लगा देना है। हो सके तो क्लीन करने के बाद आप एक बारी स्टीम जरूर लें और उसके बाद अपने फेस पर इस जेल को लगा के अच्छे से मसाज करें और सो जाएं। तो यहाँ खत्म होती है मेरी आज की वीडियो। जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज करें उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।